जमीन का पट्टा नहीं है तो पूरे मध्य प्रदेश में जो गरीब है
और रहने की जमीन भी नहीं, उनको सबको पट्टा प्रदान किया जाएगा, किसी को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। प्रधानमंत्री ने पीएम किसान योजना के 6000 मंजूर किए, मैंने 10000 और स्वीकृत करके हर साल कम से कम 10000 रुपया किसान को अलग से देने की व्यवस्था की, वो देना भी शुरू हो गया है। गरीबों को 1 रुपया किलो गेहूं चावल और नमक भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, और मोदी जी ने नवंबर तक 5 किलो निःशुल्क देने का फैसला किया है। यहाँ राशन की दुकान है कि नहीं? राशन गरीबों को मिलता है कि नहीं? अच्छा, पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? यहाँ पीएम जी वाले व्यवस्था की यहाँ क्या है? इतना बड़ा गाँव है, कौन सी बताओ? सर यहाँ पे क्या है, हमारी विभाग की योजना नहीं है, हमने डीपीआर बनाई स्वीकृति होना शेष है। 1 करोड़ 21 लाख, 1 करोड़ 21 लाख की डीपीआर बनाई है, स्वीकृति होना शेष है। यहाँ अभी विभाग की योजना नहीं है। अच्छा, डीपीआर बन गई पूरी? तो सुनो भैया, कुंभी आया हूँ तो 1 करोड़ 20 लाख रुपया में यहाँ की पानी की योजना, जिसमें घर घर नल लगा के पीने का पानी दिया जाए। बरसात में भी इतनी बड़ी संख्या में बहने खड़ी है तो हैंडपंप से पानी भरना बंद करवाना, और बेटियों से कहा हैंडपंप को पानी भरवाए। इसके साथ मेरी स्वयं सहायता समूह की बहने भी आए। मेरी बहनों, स्वयं सहायता समूह के लिए मैंने बैंक लिंकेज करवा के, मेरी कोशिश ये होगी कि सबका काम चालू हो और 10000 रुपया महीना धीरे धीरे उनकी मासिक आमदनी हो जाए। यूनिफॉर्म सीने से लेके स्कूल की कई काम अब स्वयं सहायता समूह की बहनें करेंगी, उनको भी और मजबूत बनाने का काम किया जाएगा। और कुंडी के मेरे बेटा बेटियों जो ढंग से पढ़ रहे हैं, जिनमें टैलेंट है, वो सुन लेना, और माँ बाप भी सुन लें, मतलब मेरे भाई बहन, अगर अच्छी पढ़ाई करके मेरे बेटा बेटियों का मेडिकल कॉलेज या उच्च शिक्षण संस्थान में, बड़े कॉलेजों में जहाँ फीस बहुत ज्यादा होती है, एडमिशन हुआ तो वो फीस भी मम्मी पापा नहीं मामा भरवाएगा, ताकि बच्चे पहले आगे बढ़ सके। आज जब मैं आया हूँ तो यह हाई स्कूल भवन का निर्माण जरूरी है, मुझे बताया इसलिए शासकीय हाई स्कूल भवन 1 करोड़ रुपए की लागत का यहाँ बनाया जाएगा। आदिवासी सामुदायिक भवन भी 20 लाख रुपए का बनाया जाएगा, और सुदूर सड़क के अंतर्गत सुल्तानपुर से रजाला माइन तक 15 लाख रुपए की सुदूर सड़क भी बनाई जाएगी। आपका स्नेह पूर्वक स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। भारत माता की आली नहीं तूफान है। साथ में है पूरे
हमारे देश हमारे शाम जी गंगारे संतोष जी राठौर जी आते हैं, राजद जी कमरे भी आ चुके हैं, बड़ी माला से सब कार्यकर्ता एक साथ स्वागत है। बड़ी माला से मंडलों के अध्यक्ष जी आप सब कल्याण हाथ बढ़ाए और बड़ी माला से हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करे, सम्मान करे। संदीप जी सब यहाँ पर बड़ी माला से सम्मान होगा, हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत होगा। साथ ही हमारी गंगाबाई जिला पंचायत के सारे भाई आज भी आए हैं, ज्यादा मत से भीड़ लग रही है, अध्यक्ष बोल रहे हैं और सबसे मना करके अध्यक्ष जी पटेल से स्वागत की मेला को ही संविधान देते हैं। मेरा सभी से निवेदन है उसकी मध्य के लिए स्वागत करूंगा, स्वागत हो जाएगा, आराम से शांति बनाए रखे। स्वागत भैया बहनों को भी देखने दो मेरी हमारे लोगों के विधायक भाई राम नागौरी जी, ग्रेवी नहीं बन रही, जिला अध्यक्ष सेवादार जी, यहाँ के पहले विधायक रहे अब खंडवा के विधायक और वरिष्ठ नेता देवेंद्र वर्मा जी, नारायण पटेल जी, आदरणीय धन सिंह जी हमारे मंडल अध्यक्ष जी, मनन महामंत्री जी, पन्ना लाल जी, क्या क्या शहर कहते हैं यार पन्ना लाल, हमारे सभी क्योंकि समय कम है, मुझे 5:30 बजे हेलीकॉप्टर से निकलना पड़ेगा, नहीं तो उड़ेगा नहीं, यही रह जाएगा और बहनों को रात में रोटी वाला खिलानी पड़ेगी। इतने मन करती हूँ सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारी का, मेरी बहनों मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, बहुत दिनों बाद इस बार आना हुआ क्योंकि बीच में तो मैं मुख्यमंत्री नहीं रहा था 15 महीना देवरिया से दूसरे और उन्हें 15 महीने में प्रदेश का कमाला कर दिया, तो नारायण पटेल जैसे लोगों को घुसाया और कांग्रेस छोड़ छाड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गया, मुख्यमंत्री बन गया। कोरोना आ गया तो उस समय एक ही काम था मेरा, कैसे जनता की जिंदगी बचे। 16 महीने में से 8 महीने कोरोना को कंट्रोल करने में लगा, तब मिलना जुलना तो मुश्किल था, लेकिन आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से बोरगांव और आसपास के बहनों और भाइयों अब कोरोना पे कंट्रोल है, लेकिन सावधानी रखना है, ये बड़ी बेकार बीमारी है और सावधानी रखने का मतलब सबको टीका लगवाना है, लगवाएंगे नहीं टीका समझे। अब यहां मुझे बताया कि यहां तो 120 अगल बगल वालों ने भी लगवा लिया, लेकिन अब टीके का दूसरा डोज भी लगवाना है, सब लगवाओगे, सब लगवाएंगे तो इससे अपनी जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी, ये बहुत जरूरी है। और हम चूंकि स्थिति सामान्य हुई तो आपसे मिलने आ गया, क्योंकि आपसे मिले बिना मुझे चैन ही नहीं पड़ता, जो जनता से मिले नहीं वो कहा गया मुख्यमंत्री बताओ मेरा नहीं कहता है, तो इसके मैंने कहा भैया एक ही समय के मिल जाऊंगा पन्नाना में, गाँव गाँव होके जाऊंगा, और आज आपसे मिलकर इतना खुश हूं कि आप कल्पना नहीं कर सकते, अंदाज नहीं लगा सकते। जनता ही तो मेरी जिंदगी है और अपनी जिंदगी के बिना कोई जिंदगी कैसे रह सकता है। कई और मैं कांग्रेस से बंद कर दी या फिर चालू कर दी, मेरी बहनें बैठी है स्वयं सहायता समूह की, मेरी बहनों लक्ष्य है अपना हर बहन की आमदनी बढ़े समूह के काम से, और लगातार इसके समूह को बैंक लिंकेज दिलाने की कोशिश कर रहे हैं।
कई नए काम मिले समूह को, उसकी कोशिश कर रहे हैं। बहनों के घर चार पैसे ज्यादा आएंगे तो महिला सशक्तिकरण होगा, उसमें कसर नहीं छोड़ूंगा मैं। हर महीने पैसे डालता हूँ अलग अलग समूह के खाते में। किसान भाई कांग्रेस की लड़ाई में किसानों के खाते में कोई आया बच्चा? प्रधानमंत्री जी का मैं 6,000 डालूंगा, तुमने कहा 6,000 के साथ में और 4,000 के 10,000 रुपया तो हर साल वैसे खाते में डाले। और उसके साथ साथ गेहूं की खरीदी, बाकी फसलों की खरीदी को सुनिश्चित किया, समय समय के योजना बनाई। और गरीब बहनों और भाइयों, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई दवाई रोजगार का इंतजाम, यह हमारी प्राथमिकता है। और रोटी मिले सस्ती से 1 रुपया किलो गेहूं चावल अलग, कांग्रेस ने मामले में देना शुरू किया था। अभी प्रधानमंत्री जी 5 किलो और दे रहे अलग से नवंबर तक। क्या राशन की दुकान है क्या? वो गांव राशन की दुकान है और मिलता है राशन की नहीं गरीबों को सस्ता राशन। और दूसरी चीज सुन लो, और लक्ष्य बनाए जिनके पास और रहने के लिए कच्चा घर है, बेटा अपना है, धीरे धीरे उन सबके पक्के मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। हमने क्या आवास के कितने मकान निकाले कार्यक्रम? 800 बन चुके हैं, 800 बने, 800 और एक बात और तय कर लिया। कहीं जगह का तो सड़क किनारे के लिए मामा रहने की जगह नहीं है रे, वहां पर क्या पूरे मध्य प्रदेश में जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है? या बाप के 4 बेटा हो गए घर के छोटे छोटे के घर में बनेंगे? तो ऐसे सब लोगों को चिन्हित करके रहने की जमीन का पट्टा दिया जाएगा, ताकि कोई जमीन तो हो उनके पास जिसमें वो अपने मकान बना सके। और पढ़ाई के लिए कह रहा हूँ, मोरगांव और आसपास के रहने वाले विशेषकर मेरी बहनों, बच्चों को ढंग से पढ़ाना, तुम्हारा भैया तुम्हें वचन दे रहा है अच्छी पढ़ाई के बाद उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में भी प्राइवेट में हो गया और 5-8 लाख रुपया साल की फीस हुई, तो वो भी मैं भरवाऊंगा। मानदेय बच्चों को पढ़ाना लक्ष्य है हमारा, ताकि आगे बढ़े। उसके लिए सीएम राइज स्कूल भी खोल रहे हैं। वो गांव और आस पास के बहनों और भाइयों, एक बार और ये कोरोना को देख के एक कहता और बड़ा किया, किसान और गरीबों की बात हो जाए तो इलाज में बर्बाद हो जाता है। सही बात है कि नहीं? कहा तो कुछ साल है। और इसलिए आयुष्मान भारत योजना में प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई, राज्य सरकार भी पैसा दे रही थी, सबके आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। और आयुष्मान कार्ड बनने के बाद क्या फायदा हो गया? सरकारी अस्पताल में इलाज हो गई फ्री, लेकिन उस योजना के अंतर्गत आने वाले प्राइवेट अस्पताल में भी साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करवाया जाएगा, ताकि गरीब मजबूर ना हो। जनता की सुविधा के लिए हर संभव की महिला के मामा परेशान बहुत है, क्योंकि कोरोना में कर्फ्यू में पैसा कम है, क्योंकि पैसा आई नहीं, सब कुछ तो बंद था। अब तनखा भारत नहीं बांटना है, दूसरी चीजें करनी करना है, तो अभी उधार लेने के कर रहा हूँ। अभी सड़क की जाम थी वाली, तो मुझे पता चला कि वो रह गई थी, तो सरकार ही बदल गई थी। राम ने भी आप लाया तो उनका राम चलता मत कर, उधार लेकर बढ़वा दूंगा, स्वीकृत कर दिया हमने। और बोल गांव में पीने का पानी, पीने के पानी के लिए मेरी बहनों नई योजना और स्वीकृत कर रहा हूं। 7 करोड़ क्षेत्र की बनाए, इसलिए 7 करोड़ 25 लाख रुपए की योजना स्वीकृत कर रहा हूं। हर घर में पाइपलाइन बिछा के, टंकी बना के, नल टोटी वाला लगा के,
ताकि टोटी खोलो तो घर घर पानी आ जाए और घर घर मटका भर जाए। हैंडपंप करेंगे देखिएगा तो हैंडपंप का पानी भरेगा, वो पानी पिलाया जाएगा, ठीक है। अरे बोलो तो ठीक है जी नहीं। और राम ने एक और बात मुझे कही कि बोर गांव सबसे बड़ा गांव है, कितने आबादी बोर गांव की? 12,500। तो भैया फिर आप सब बताओ, सरपंच यहां खड़े हैं बैठे हैं, आस पास के ये गांव की सहमति है? अरे नगर पंचायत की सहमति है तो भाई सब तैयार है, तो बोर गांव को नगर पंचायत बना दिया जाएगा। वो मेरे कागज का है, आनंद शर्मा कहा जल्दी आओ भाई, इतनी मेहनत करके आए थे कागज पे आप, बहुत दिनों बाद बोल रहा हूँ, आए तो खत पढ़ लिख के आए थे मैं, कहा चला गया मेरे घर ये जाम जुआ था तो बोल दिया मेरे। देखो भैया एक बार और, नए स्कूल में अलग तरह के बना रहा प्राइवेट स्कूलों जैसे, आप बताओ गरीब को किसान के बेटा बेटी भी अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? और इसलिए एक नए स्कूल का मॉडल बनाया है जिसे कहा सीएम राइट स्कूल, 18 करोड़ की जो बिल्डिंग बनेगी उसकी, उस पर लाइब्रेरी रहेगी, उस पर प्रयोगशाला रहेगी, खेल का मैदान रहेगा, सारी व्यवस्था उस पर रहेगी, और पढ़ाने के लिए अंग्रेजी के गणित के विज्ञान के भी सारे अच्छे शिक्षक ट्रेनिंग करके लगाए जाएंगे। तो एक वैसा सीएम राइज स्कूल गुड़गांव में भी खोला जाएगा। ये लाल नीले अब जल्दी भगना पड़ेगा। आज बोरगांव बुजुर्ग में आके मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जनदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत से मिलने का फैसला किया और लोगों से मिलके मेरी अंतरात्मा बहुत प्रसन्न है। विकास के और जन कल्याण के काम अब फिर से प्रारंभ किए हैं और संबल सहित आम जनता के कल्याण की जितनी योजनाएं हैं उनको लाभान्वित, उनके माध्यम से गरीबों को, किसानों की योजना के माध्यम से किसानों को, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को लाभान्वित करने का भी सौभाग्य मिला। अब ये जनदर्शन के माध्यम से योजनाओं को मैं टटोलता भी रहूँगा, जनता से सीधा संवाद करूँगा और जनता को योजनाओं का लाभ मिले ये सुनिश्चित करूंगा। आज का कार्यक्रम खंडवा जिले में देख के और जनता से मिलकर मैं प्रसन्न हूँ। आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है,